तो हम देखते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद गोकू और वेजिटा आपस में काफी सारी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं बीरस के प्लैनेट में। तभी हम देखते हैं कि वहां पर व्हिस ट्रेनिंग को रोक देता है और कहता है, आखिरकार क्या बात है गोकू वेजिटा, तुम इतनी ज्यादा ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो? क्या रीजन है इसके पीछे? कहीं तुम लोग न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की तो नहीं सोच रहे यूनिवर्स 7 की? और जिस पे गोकू कहता है कि नहीं व्हिस, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। टूर्नामेंट ऑफ पावर से मुझे ये तो पता चल गया है कि आखिरकार इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स के अंदर कितने ज्यादा पावरफुल बीइंग एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं उन सभी को सरपास करके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता हूँ। और तभी वेजिटा बोलता है, और मैं इस कैकरोट को सरपास करना चाहता हूँ। हे कैकरोट, मुझे दिखाओ तुमने अपनी कौन सी पावर का इस्तेमाल किया था टूर्नामेंट ऑफ पावर में, मुझे उससे फाइट करनी है। और इसके ऊपर गोकू कहता है, माफ करना वेजिटा, लेकिन वो पावर को मैं अभी तक खुद ही हैंडल नहीं कर पाया हूँ, मुझे भी उसमें काफी ज्यादा काम करना है क्योंकि अभी भी मैं उस पावर के अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। जिस पे वेजिटा कहता है, हाँ हाँ मुझे मालूम है कि तुम जैसा बेवकूफ वापस उस फॉर्म को कभी अचीव नहीं कर पाएगा, लेकिन अब इस बार उस फॉर्म को मैं बहुत जल्द अचीव कर लूंगा। और तभी हम देखते व्हिस को जो कि कहता है, गोकू तुम जिस फॉर्म की बात कर रहे हो वो अल्ट्रा इंस्टेंट है, और याद रखना गोकू ये फॉर्म हम एंजल्स की है, जिस वजह से ये फॉर्म काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इसके इस्तेमाल से तुम कुछ भी कर सकते हो, अगर तुमने इसको एक बार अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया तो तुम इस पावर से कुछ भी कर सकते हो गोकू। और ये सब होने के बाद हम देखते कि यहाँ पर कुछ टाइम बीत जाता है और व्हिस कहता है कि गोकू वेजिटा अब तुम दोनों को आराम करना चाहिए, तुम्हें अपने अपने घर लौट जाना चाहिए, कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ भी तुम्हें बिताना चाहिए। जिस पे गोकू कहता है कि हाँ ठीक है व्हिस, तो चलो वेजिटा हम यहाँ से निकलते हैं। और हम देखते कि ये बोलते गोकू और वेजिटा वहां से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रहे होते हैं। और तभी हम देखते बीरस को जो कि मेडिटेशन कर रहा होता है। और तभी वहां पर व्हिस आता है और कहता है, लॉर्ड बीरस आखिरकार आप क्या सोच रहे हो? और तभी बीरस कहता है कि व्हिस मुझे ना जाने क्यों लेकिन बहुत ही बीरी फीलिंग आ रही है, कुछ ना कुछ बहुत ही जल्दी बुरा होने वाला है। और तभी हम सभी देखते कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस के प्लेनेट में आने लगते हैं। और बीरस इन सभी को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, हे आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कैसे आए और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और ये सुनने के बाद सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को काफी गौर से देखने लगते हैं। और तभी बेलमोड आके आगे कहता है, क्या तुम्हें बीरस नहीं पता कि आखिरकार क्या सब चल रहा है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे यूनिवर्सेस में कुछ ऐसे मॉर्टल भी हैं जो इस पे तुम्हारा भी बस नहीं चलता? और ये सुनने के बाद बीरस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, जबान संभाल के बात करो बेलमोड, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तभी हम देखते क्यूटेला को जो ये कहता है, हे बीरस इसके कहने का वही मतलब है जो तुम समझे, तुम अपने यहाँ के मॉर्टल से भी डरते हो। और इस पे बीरस कहता है, तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो, सीधा सीधा बोलो कि आखिरकार तुम लोग क्या कहना चाहते हो? और जिस पे चांपा कहता है, बीरस मेरे भाई मैं ये बस यही कहना चाहता हूँ, हम सब बस यही कहना चाहते हैं कि तुम्हें गोकू को खत्म करना पड़ेगा और उस प्लेनेट अर्थ को भी। और ये सुनने के बाद बीरस काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या आखिरकार तुम ये सब क्यों कह रहे हो? और जिस पे हम देखते क्यूटेला को जो ये कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो बीरस, क्या तुम्हें नहीं पता उन मॉर्टल की वजह से टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ है? अगर उस मॉर्टल ने कभी इससे भी बड़ी बेवकूफी कर दी और वो जाके सीधा ग्रैंड प्रीस्ट या फिर जिनोसामा से लड़ने के लिए बोले तो क्या तुम उस पे भी मान जाओगे? तो हमें कुछ ना कुछ करके इसको रोकना ही पड़ेगा। और जिस पे बीरस मन ही मन सोचता है कि इन सभी की बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आ चुका था जब सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सारे यूनिवर्स इरेज हो चुके थे। और बीरस कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बीरस ये मनी मन करने में इतरा रहा होता है, लेकिन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस के ऊपर काफी ज्यादा दबाव डालते हैं, जिसके बाद बीरस ये करने के लिए रेडी हो जाता है और वो कहता है, ठीक है मैं प्लेनेट अर्थ और उस सेन गोकू को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और ये सुनने के बाद हम देखते कि व्हिस काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और व्हिस कहता है कि क्या आखिर लॉर्ड बीरस ये सब करने के लिए कैसे मान सकते हैं? मुझे पता है कि हालांकि गोकू की वजह से टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था, लेकिन ये सब करना बिल्कुल सही नहीं होगा। आखिरकार ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या चाहते हैं? और इसके बाद हम देखते व्हिस को जो कि अपना दिमाग लगाने के बाद एक बात कहता है, मुझे पता है कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फैसलों के विरुद्ध नहीं जा सकता,
लेकिन ये बात आप सभी को भी जान लेनी चाहिए। आप सभी को तो पता ही होगा कि गोकू जिनोसामा का कितना अच्छा दोस्त है। अगर जिनोसामा या फिर ग्रैंड प्रिस्ट को गोकू की फील होना बंद होगी या फिर उन्हें पता चला कि गोकू को खत्म कर दिया गया है तो वो कितने ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। हो सकता है उसके बाद जिनोसामा सारे मल्टीवर्स को वापस से इरेज कर दे और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी, जो सुनने के बाद सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चौंक जाते हैं और बीरस कहता है, हाँ बीरस तुम शायद सही कह रहे हो, तो आखिर हम क्या कर सकते हैं। और तभी क्विटेला कहता है, तो बीरस तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए या तो मर जाए या तो जिंदा रहने के बाद भी उसकी की कभी भी कहीं पर भी सामने ना आए। जो सुनने के बाद बीरस काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, वीस क्या तुम्हारे पास आइडिया है। और तभी वीस कहता है, हाँ माय लॉर्ड बीरस, मैं जानता हूँ कि अर्थ में टाइम चेम्बर नाम की एक जगह है जहाँ पर वो लोग अगर चले जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए हम उनको वहाँ पर बंद कर सकते हैं उस टाइम चेम्बर के मेन गेट को तोड़ के। और जो सुनने के बाद सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ से चले जाते हैं। और जाते जाते चांपा कहता है, मेरे भाई बीरस अब ये सब जो करना है वो तुम्हें ही करना है और अब तुम जान गए हो कि तुम्हें क्या करना होगा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बीरस और वीस चले जाते प्लैनेट अर्थ में और सभी लोगों को वहां पर इकट्ठा करते हैं, लेकिन वहां पर गोकू और वेजिटा नहीं होते। वेजिटा ट्रेनिंग करने के लिए कहीं पर गया होता है और साथ ही में गोकू इस टाइम पे किंग काई के प्लेनेट में होता है। और तभी बीरस उन सभी को बुला के कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तुम्हें एक मेरा बहुत ही बड़ा काम करना होगा और ये बात मैं तुम में से किसी से भी छुपाने नहीं वाला। तुम सभी को गोकू और वेजिटा को हमेशा हमेशा के लिए टाइम चेंबर के अंदर बंद करना होगा और तुम्हें उसका गेट बाहर से तबाह कर देना होगा। जो सुनने के बाद सारे के सारे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या आखिरकार आप ऐसा सोच भी कह सकते हो, क्यों आपको गोकू और वेजिटा को वहां पर बंद करना है। और तभी हम देखते बुलमा को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि बीरसामा आपकी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई, आप जानते हो कि हम ऐसा कभी भी नहीं करने वाले। और तभी हम देखते कि बीरस बिना कुछ बोले वहां पर हकाई का इस्तेमाल करके बुलमा को खत्म कर देता है, जो देखने के बाद सारे के सारे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और हम देखते हैं कि उन सब में से पिकलो और गोहान अटैक करने के लिए आते हैं बीरस के ऊपर, लेकिन बीरस अपने एक ही अटैक से उन दोनों को काफी ज्यादा चोट पहुंचाता है। और तभी बीरस कहता है कि मैं तुम सभी को वापस बता रहा हूँ कि मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, तुम मेरे सामने इज्जत से पेश आओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, नहीं तो मैं तुम्हारे प्लेनेट अर्थ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि पिकलो आगे आता है और कहता है कि ठीक है लॉर्ड बीरस, जैसा आप कहोगे वैसा ही हम करेंगे। और तभी हम देखते क्रिलिन को जो ही कहता है, हे पिकलो आखिरकार तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। और पिकलो कहता है कि क्रिलिन मेरी बात को समझो, क्रिलिन तुम खुद सोच के देखो, दो जनों की जान या फिर हम सभी की, तो तुम्हें जरा इसमें दिमाग लगाना चाहिए। और हम देखते क्रिलिन एकदम शांत हो जाता है। और तभी हम देखते गोकू को जो कि किंग काई के प्लेनेट में होता है और किंग काई ये सब कुछ समझ जाते हैं कि आखिरकार लॉर्ड बीरस का क्या प्लान है। और तभी गोकू वहां से निकल रहा होता है और कहता है, ठीक है किंग काई, तो अब मैं यहां से जाता हूं, मैं आपसे मिलने बहुत ही जल्दी आऊंगा। और तभी किंग काई कहते हैं, गोकू मेरी एक बात को हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगा, चाहे कभी भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, तो तुम्हारा जब चाहे तुम यहां पर आ सकते हो गोकू, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी हम देखते हैं गोकू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है ये सारी बातों को सुन के और कहता है, आखिरकार आपके क्या कहने का मतलब है किंग काई, लेकिन छोड़ो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे उन सभी के पास लौटना पड़ेगा। और हम देखते गोकू वहां से चले जाता है। और तभी हम देखते कि गोकू सीधा वेजिटा के पास पहुंचता है और गोकू और वेजिटा को उस टाइम एक आवाज आती है जो कि कहती है, हे गोकू वेजिटा मैं वीस हूँ, मैं तुम लोगों के साथ एक स्पेशल ट्रेनिंग करने वाला हूँ, तो तुम्हें जल्द से जल्द मुझे आके टाइम चेम्बर के बाहर मिलना पड़ेगा, हम वहीं पर ट्रेनिंग करने वाले हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर गोकू और वेजिटा इस बात को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो सीधा चले जाते हैं टाइम चेम्बर के वहाँ जहाँ पर उन्हें वीस मिलता है। और वीस कहता है, तो गोकू वेजिटा क्या तुम इस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो। और तभी हम देखते कि वहाँ पर डेंडे आता है और कहता है, वीस जैसा कि मुझको आपने बताया था वैसे मैंने सारे चेंजेस टाइम चेम्बर के अंदर कर दिए हैं। ये सुन के गोकू कहता है, हे डेंडे आखिरकार आपने क्या क्या चेंजेस किए टाइम चेम्बर के अंदर, मुझे भी तो बताओ। और तभी डेंडे बताते हैं कि अब टाइम चेम्बर के अंदर एक दिन एक साल के बराबर होगा, जो सुनके गोकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, यस इसका मतलब भी है कि हम और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, क्यों वेजिटा तुम्हें क्या लगता है।
और तभी हम देखते हैं विजिटा को जो कि मनी मन में काफी ज्यादा टेंशन में होता है और कहता है, क्या करोट, मैंने बुलमा को काफी ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही थी और अभी भी मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, लगता है कि कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। जिस पे हम सभी देखते वीस को जो कि थोड़ा सा घबरा जाता है लेकिन कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम्हें ट्रेनिंग करनी है कि नहीं तो चलो टाइम चेंबर के अंदर हम चलते हैं। और उससे पहले हम देखते कि वहां पर अचानक से किरण आ जाता है और कहता है, गोकू रुक जाओ, ये सब एक चाल है, ये लोग तुमको टाइम चेंबर के अंदर हमेशा हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। जो सुन के विजिटा काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, देखा कैकरोट, मैंने कहा था ना कुछ तो गलत हो रहा है। और तभी गोकू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला किरण, आखिरकार वीस हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा। लेकिन तब भी हम देखते कि वहां पर बीरस आ जाता है और वो आते ही दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, तुम दोनों मॉर्टल आगे चलकर हमारे लिए काफी ज्यादा खतरा साबित हो सकते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए बंद करने चाह रहा हूँ। और तभी हम देखते कि गोकू विजिटा अपना पावर अप करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते कि बीरस किरण को वहीं पर खत्म कर देता है, जो देखने के बाद गोकू काफी ज्यादा गुस्से में चले जाता है और कहता है, किरण नहीं, आखिरकार लॉर्ड बीरस, आप हम सबके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और तभी बीरस कहता है कि ये सब मैं मेरी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, तुम्हें तो याद ही होगा कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हम सभी इरेज हो सकते थे और आखिरकार मैंने बुलमा को भी ख़त्म कर दिया है वेजिटा, और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि तुम अब ख़त्म होने ही वाले हो, तो तुम्हारे प्लेनेट वेजिटा को जिसने तबाह किया था तो उसको ऑर्डर भी मैंने ही दिया था, हाँ फ्रीजा को मैंने ही ये ऑर्डर दिया था कि प्लेनेट वेजिटा को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। जो सुन के गोकू और वेजिटा काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वेजिटा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है और कहता है, क्या तुमने मेरी बुलमा को मार दिया, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते कि ये बोलते वो दोनों काफ़ी ज़्यादा पावर अप करने लगते हैं, लेकिन हम देखते कि बीरस अपने एक अटैक से उन दोनों को काफ़ी दूर फेंकता है जिससे उन दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद वीस कहता है, लॉर्ड बीरस हमें अब ज़्यादा देर गंवाना नहीं चाहिए, हमें इन्हें यहीं पर बंद कर देना चाहिए। और तभी हम देखते कि वीस के चेहरे में काफ़ी ज़्यादा दुखी दिख रही होती है और तभी हम देखते कि जैसे ही वेजिटा की आंखें खुलती है वो दोनों टाइम चेंबर के अंदर बेहोश पड़े होते हैं और पूरा का पूरा टाइम चेंबर का गेट को बाहर से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है।